रतलाम शहर में खुलेआम गुंडागर्दी जोरों पर है। विगत दिनों शहर में रंगदारी वसूलने की दो घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल शराब का ठेका चलाने वाले युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय चौधरी ने बुधवार रात घास बाजार स्थित राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू सेक्सी के घर में घुसकर धमकाया और मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में संजय चौधरी द्वारा भी राकेश सकलेचा व दो अन्य पर पीरपुरिया गेट क्षेत्र में बीती रात मारपीट का आरोप लगाते हुए माणक चौक पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी रंगदारी वसूलने के लिए आरोपी संजय चौधरी साथियों सहित रविदास चौक पर राकेश सकलेचा के भाई राजेश सकलेचा की मेडिकल दुकान पर तोड़फोड़ कर चुका था, जिसकी रिपोर्ट माणक चौक थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय चौधरी को और साथियों को गिरफ्तार कर जुलूस भी निकाला था। अब संजय चौधरी ने इसी रिपोर्ट को वापस लेने के लिए बुधवार को राजेश के भाई राकेश सकलेचा के घर में जाकर विवाद किया। वहीं संजय चौधरी की रिपोर्ट पर राकेश सकलेचा व दो अन्य के नाम पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। अभी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल रात्रि के समय करीबन 9:30 बजे के आसपास पप्पू सेक्सी उर्फ राकेश सकलेचा का भाई आया था, वल्लभ सकलेचा, जिसने बताया था कि उनका पूर्व में 11 महीने में विवाद हुआ था संजय चौधरी के साथ में। उसी बात को लेकर संजय चौधरी अपने साथियों के साथ में पप्पू सेक्सी के घर पे घुसा था और दरवाज़ा खुलाकर उनके साथ में झुमा झपटी मारपीट की थी। जैसे ही वो वहाँ पे गए थे, वहाँ से वो जब पब्लिक आ गई थी तो वहाँ से वो चल भग गए थे। उसके बाद में पप्पू सेक्सी तो घर पे मिला नहीं था उन्हें, संजय चौधरी वगैरह को।